الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم महतरम मक्रम नावरीन साम अकुम वह वर्का आपसे मुखातब मौलाना फजल दाद और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और च्यूजे शाम को सात बजे से आठ बजे तक लाइव हुआ करता है और फिर उसके अलावा बाकी हफ़्ते के अंदर इसको मुख्तलिफ़ अवत के अंदर रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इसको देख नहीं सके मिस मिस हो गया उनसे या दूसरे मुल्कों के अंदर जो देख रहे हैं तो ताकि वो इस प्रोग्राम को देख सके और आपको मालूम है कि ये भी प्रोग्राम और माकबल के जितने भी प्रोग्राम हैं कई सालों से वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके सेव किए जाते हैं अज मोस्ट ऑफ़ यू आर अवेयर दट दिस प्रोग्राम अवाउर्ज It's live every Monday and Tuesday evening, seven o'clock till eight o'clock. And then it's repeated throughout the week at different intervals so that those people who may have missed it, or those people who can't be there, or who are in different time zones, they can catch up and listen to it and watch it. And having said that, स प्रोगी ईयर्स अपलोड ऑन टू यूट्यूब एंड सेव्ड दट आपको मालूम है कि मुख्तर किसी मौजु के ऊपर बातचीत होती है और फिर उसके बाद आपकी तरफ से सवालत हमारी तरफ से जवाब आपकी तरफ से डिस्कशन होता है या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बाक़ी हमारे लिसनर्स को व्यूर्स को सामीन नाजरीन को गुज्त कल एक सवाल हुआ था प्रोग्राम के दौरान और वो ये था कि ये जो आयत आपने शुरू के अंदर तिलावत की इसका तर्जमा बतला दें तो मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम को उसी से शुरू करूँगा और फिर आगे बात चलाते हैं القرآن الكريم كي آيات من تلاوت كي هي الله رب العزة ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم फोर ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए फरमा दीजिए मखलूक से कि तुम तो हिब्बन इनकुन तुम तो हिब्बून अल्लाह अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे से करे अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करे तुमसे प्यार करे फत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फ़रमा दीजिए कि तुम मेरी इत्तबा करो फत लकुम युआफरकुमनूबुम तुम मेरी इत्तबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे महब्बत भी करेंगे और तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह इज़्ज़त उन गुनाहों को माफी फरमाएंगे वो गफूर और रहीम अल्लाह इज़्ज़त बड़े ही बख्शने वाले हैं बड़े ही रहम करने वाले हैं। तो चुनाचे आयत के अंदर अल्लाह इज़्ज़त हमें बतलाते हैं कि अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हो और यह चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं तुमसे मोहब्बत करूं तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक करीब हो जाए तो फरमाया एक तरीकों में से एक बेहतरीन तरीका यह है कि फरमाया कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो इतबा नबवी, ये शर्त है नबी पाक सल्लाम की इतबा करो आप सल्लाम की तमाम सुनतों पर पूरे तौर पर अमल करते रहो ऑटोमेटिकली अल्लाह इज़्ज़त तुम्हें चाहने लगेंगे और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब, रब फरमाते हैं वरिदान कि अल्लाह की रजामंदी वो सबसे बड़ी चीज है वरिद्व अकबर अल्लाह की रजामंदी वो सबसे बड़ी चीज है होल्फौजीम यही यही सबसे बड़ी कामयाबी है इंसान जब अल्लाह को राज़ी कर लेता है और अल्लाह की रजामंदी उसको हासिल हो जाती है रब उससे खुश हो जाता है और उससे महब्बत करने लग जाता है और और अल्लाह इज़्ज़त उसको अपने करीब कर देता है तो फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी ये दुनिया की भी कामयाबी आखिरत की भी कामयाबी हर लिहाज से कामयाबी ही कामयाबी क्योंकि आपने रब को जब खुश कर दिया तो रब आपको हर हर चीज दे देगा उसताद मोहतरम जब इस किस्म की आयात और अहदीस होती तो एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाते हैं कि जो मालिक होता है मालिक की रज़ामंदी वो सब कुछ है जब आप उसके माताहती के अंदर हैं और उसकी मिसाल एक अंदाज में दी फरमाने लगे कि एक बादशाह था और उसके इर्द गिर्द बहुत से वजारा बहुत से वजीर थे एडवाइजर्स अराउंड हिम And the point I wanted to make was that the pleasure of Allah Subhanahu Wa Taala is the greatest thing. Allah Subhanahu Wa Taala actually mentions it in the Quran: min Allahi akbar." The pleasure of Allah Subhanahu Wa Taala, the happiness of Allah, is the greatest achievement. Is the greatest achievement. That is. That is the greatest success, Fawzul adim. It is the greatest success, Allah is saying Himself, and I was just mentioning that Allah Subhanahu wa Taala, when He is happy with us, He is pleased with us. Then we will get everything in the dunya and everything in the akhirah. Our dunya will be successful, our akhirah will be successful as well. And the example that.

कि तुम ये मुश्किल काम पूरा कर लेना या जब भी किसी मसले के अंदर फंस जाते तो फरमाते कि फ़लाँ जो शख्स है वो मुझे इसके अंदर मशूर दे मैं उसके मशवरे के ऊपर अमल करूँगा अब बाकी जितने भी हैं वो हमेशा देखते कि इस वजीर की क्या ख़ास खासियत है इस वजीर की वो क्या ख़ास खासियत है कि हमेशा बादशाह सलामत जो हैं वो इसके साथ ही तोज्जो करते हैं इस ही को तोज्जो देते हैं इसी के साथ रबता क़ाय करते हैं अब बादशाह उस जमाने में जो होते थे वो बड़े समझदार लोग होते उन्होंने जब ये महसूस किया कि ये मेरे इर्द गिर्द जो वजीर हैं इन्होंने देख लिया कि मैं इसको खास तवज्जो देता हूँ। वन द किंग ही नोटिस दीज एडवाज अराउंड माई फेवरेटिज्म दिस वन स्पेशल एडवाइजर दिस वन स्पेशल मिनिस्टर that whenever i am stuck and confused about something i normally consult this one so he wanted to clarify in front of them the status of this person his intelligence his high level of thinking and deep level of thinking और इसकी गहरी सोच इन तमाम के तमाम के सामने जाहिर कर दूंगा ताकि इनको पता चल जाए कि मैं इसको हमेशा क्यों इख्तियार करता हूँ मुश्किल मसाइल के अंदर एंड ही वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट किंग बड़ा समझदार वो था तो उसने एक दिन जितने भी अपने वज़ीर थे अपने जितने मोमशीर थे उन तमाम को इकट्ठा किया इसको भी और उनसे कहने लगा आज मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी ही ख़िदमत की है टूडे have हेव डिसाइडेड दैट यू पीपल हैर्वड मी रियली वेल सो आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू मैं आपको उसका बदला आप दूँगा मैं उसका आपको बदला दूँगा बड़े सब खुश हुए कि बादशाह सलामत जो हैं वो हमें कोई ना कोई अच्छा बदला देंगे उन्होंने पूछा वो बदला क्या होगा वॉट आर यू गोइंग टू कॉम्पनसेट फॉर वॉट रिवॉर्ड आर यू गोइन टू गि दो दिंग दे व ओनर्स ऑफ द लैंड दे हर हॉर्स ऑफ गोल्ड उनके पास सोना चांदी जेवरात हीरे, हीरेहरात होते थे तो हर एक इंतजार कर रहा था कि हमें क्या किश देगा वो बड़ा ही सखी किस्म का बादशाह था उसने कहा कि आप लोग जितनी भी इधर हैं किसी एक चीज के ऊपर हाथ रख लें मेरे पूरे इस महल के अंदर तो वो चीज मैं आपको दे दूंगा वो वॉट एवर वन थिंग यू चूज एंड यू प्लेस यूर हैंड ऑन दैट

अब इसका इंतजार कर रहे थे गालिबन आयाज था अब बादशाह ने जब देखा कि हर एक ने किसी न किसी चीज के ऊपर हाथ रख दिया है और उसको कह दिया कि तुम ये ले सकते हो तो इसको आखिर में सबके सामने पूछा कि अब तुम किसी चीज के ऊपर हाथ रखोगे या नहीं आई यून टू प्लेस यूर हंटन समथिंग सो दैट यू कैन है आई यू नॉट गैट आप इस तरह करेंगे या नहीं तो उसने तमाम लोगों की तवज्जो के बाद पूछा कि अगर मैं किसी चीज पर हाथ रखूं तो वो मेरी हो जाएगी या नहीं तो बादशाह ने उनको जवाब दिया कि मैंने इन सब के सामने ये कह दिया कि जिस चीज के ऊपर तुम हाथ रखोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी वट एवर यू प्लेस योर हैंड अपॉन दैट विल बिलोंग टू यू वो आपकी होगी अब सब देख रहे हैं कि हम तो इसको समझदार समझते थे हम तो इसको समझदार समझते सबने कोई ना कोई चीज़ ले ली इसने कुछ लिया नहीं है ही हजन टेक एन एनी थिंग उस वक्त वो जो ख़ास वजीर थे उसने आकर बादशाह सलामत के सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया ही केम क्लेस्ट इज हंड ओपन द हेड ऑफ द किंग एंड सेड मुझे ये चीज़ चाहिए मैंने अपना हाथ इस बादशाह के ऊपर रख दिया और ये मुझे चाहिए बादशाह सलामत जो है वो बड़े ही समझदार थे दट किंग वॉज वेरी इंटेलिजेंट ही सेट टू दो पीपल हैव यू अंडरस्टूड व्हाट दिस पर्सन हैज डॉन आपको पता चला आप समझ गए कि इसने क्या किया उन्होंने कहा हमें समझ समझ में नहीं आती हम इसको तो सोने का डब्बा मिल गया उसको चांदी का डब्बा मिला उसको घोड़ा मिल गया है इसको जहीरे जवाहरात मिल गए हैं इसको अलग अलग चीज़ें इसको क्या मिला है वट हेज ही गॉट बाई प्लेसिंग बादशाह के सर के ऊपर हाथ रखते हुए इसको क्या मिला है बादशाह उनको बतलाने लगा कि यही तो तुम्हारी समझ और इसकी समझ के दरम्यान फर्क है तुमने छोटी सी चीज ले ली इसने जब अपना हाथ बादशाह के सर के ऊपर रख दिया गोया इसने यह कहा कि ये बादशाह मेरा है और जब बादशाह इसका है तो बादशाह की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इसकी हो गई हैं क्योंकि बादशाह जब इसका हो गया है

तो बादशाह की जितनी भी चीजें हैं वो उसके लिए आसान हो जाती हैं when you have pleased the king then whatever is the king's that will be yours तो अब आते हैं इस बात की तरफ तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वरिद्वानु माही अकबर मजा ये सबसे राजी कर देंगे अल्लाह हम से राजी हो जाएंगे तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी आखरत के अंदर भी कामयाबी होगी आखरत भी हमेशा हमेशा कामयाब दुनिया भी हमेशा हमेशा कामयाब और जो चीज़ें आपको दुनिया के अंदर ज़रूर होंगी चूँकि उसको आपके साथ ख़ास ताल्लुक़ है आपके साथ प्यार मोहब्बत है तो वो आपको वो चीज़ें देगा कि आपको आपने उनको मांगा ही नहीं होगा यू हैवन ईवन आस देम लेकिन आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह इज़्ज़त को पता है कि इसको इन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे इससे प्यार है मुझे इससे मोहब्बत है तो लिहाजा मैं चीज़ें दे दूँगा तो इसलिए वापस आऊँ उस आयत की तरफ कि अल्लाह इज़्ज़त उस आयत के अंदर फरमाते हैं कुल इनकुन तुम तो हिब्बू तुम अगर चाहते हो كِ اللَّهَ رَبُّ الْإِزَّةَ تُمْ سَيْ مَحْبَدْ كَرَيْ فَاتَّبِعُونِي تُمْ مِرِي إِتِّبَاعَ كَرْنَا If you want Allah سبحانه وتعالى to love you Then follow me the prophet is saying Follow me فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Allah will love you and he will forgive your sins وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّهِيمٌ अल्लाह इज़ द ऑल फंड ही इज़ ऑल मर्सीफुल तो अब आयत की तरफ कि अल्लाह रब्ज़त ने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त असूल दिया है इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी हैं हम देखें कि मेरी ज़िंदगी आया नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक चल रही है या नहीं एक तो होता है इंसान कोई चीज़ अपनी ज़बान से कहे और एक होता है अपने आमाल से उस चीज़ को दिखाए सीरत को अपनी ज़बान से बार बार कहना बोलना उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात है लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी कि इंसान सीरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाता रहे टू टॉक अबाउट द सीरा ऑफ़ द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टू स्प्रेड द वर्ड

कि मैं अपने आप से वादा करूं कि मैं जो जो काम करूंगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करूंगा ऐसे करते हैं आ, कोई साथियों के कॉल्स आई हुई हैं तो अगर अभी वक़्त पूरा हो गया तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपकी कॉल को मुकम्मल करेंगे लेकिन ऐसे करते हैं कॉल की तरफ़ जाते हैं असलकम व वरकू अलहमद अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से जी 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 दरमियान में कुछ जी जी वो एक दो एक आधा हफ्ते जो है मेरी कुछ मशगोलियात थी मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ा था तो उसकी वजह से एक हफ्ते मैं नहीं आया दरमियान में लेकिन ये आपने जैसे नोटिस किया बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि फला हफ्ते हाँ जो है मौलाना नहीं आए सो इट्स ओ नाइस ऑफ यू और बाकी आशाला भी, भी तो तो इन शी जी जी बस दुआ करो अल्लाह करोल्ला तहत देवे बाज़ अकात इंसान बीमार हो जाता है या कोई मशगूलियत हो जाती है बाज़ अवत तो उसकी वजह से जी मशगूलियत की वजह से अगर उस दिन छुट्टी करनी पड़े लेकिन उसके अलावा जो है आप और बाकी जितने भी हैं

आप कुरान की बात करें सहो वो होता है जो नमाज़ के अंदर ग़लती की वजह से करना पड़ता है और जो सदा तलावत है वो कुरान करीम का जो सद्दा है ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ मैं जाता हूँ अगर आपको पूरी बात समझ नहीं आई तो इन ब्रेक के बाद आपको पूरी तफसील से दोबारा समझाएँगे लेकिन फ़िलहाल ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं जी